Chapter production analysis, and we are going to study the average physical product. When we say average physical product, this term means the average productivity, and this average physical product means total product divided by the total number of the inputs. But here, when we say the total number of inputs, it will be the respective input, means if it has to be calculated with respect to labor then we will divide the total output with total number of the labor if we have to check average physical productivity with respect to capital then we will divide the total output with respect to total number of the capital used so average physical productivity it, like the marginal physical productivity can be Average physical productivity of labor or an average physical productivity of a capital. And it is the best measure of the efficiency of any firm or the productivity. Because if the average productivity of a firm or average physical productivity of a field it increases over the time, we say that this firm or that is on the higher growing stage of the productivity. और अगर हम यहाँ पे मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जब लेबर की प्रोडक्टिविटी किसी मुल्क के लोगों की वो पहले से बढ़ती चली जाती है तो ऐसा नहीं होता कि वो सभी की इंक्रीज हो रही होती है लेकिन हम किस तरह काउंट करते हैं कि टोटल आउटपुट उस कंट्री का डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ द वर्कर्स तो हम कहते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में ये ज़्यादा हमें आउटपुट दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑफ दैट कंट्री इज़ ऑन राइज़ अब यहाँ हम इक्वेशन में भी जिस तरह देख रहे हैं तो ये हमें वही सारे ऑस्पेक्ट शो हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं लेकिन जो एक मेन ऑस्पेक्ट यहाँ पे अगर आप देखें कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हम अगर मैयर कर रहे हैं तो ऊपर हमारा न्यूमिरेटर जो है वो कैपिटल और लेबर दोनों की वजह से आए हुए टोटल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है उसी तरीके से अगर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को देखेंगे तो वो भी हमारा न्यूमरेटर जो यूटिलाइज कर रहा होगा वो कैपिटल और लेबर दोनों की वजह से जो कैपिट टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा अब अगर एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ जो मैं मोस्टली अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ और जो शायद आपको आसानी से समझ आए क्रिकेट का मैच आप सारे लोग देखते हैं तो क्रिकेट के मैच में जब आप देखते हैं कि अगर एक या दो प्लेयर आके जब हम कहें कि हमारे शाहद अफरीदी साहब चौके छक्के लगाते चले जाते थे तो एट द एंड पे आप कहते हैं कि हमारा रन रेट बढ़ता चला जा रहा है तो वो जो रन रेट बढ़ रहा होता है वो हमारी एक्चुअली टोटल अगर हम कहें तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही होती है तो जब दो या तीन या चार ज़्यादा लोगों ने यह काम किया होता है तो हमारा जो हम अपने कंपेटिटर को जो रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा दे रहे होते हैं तो इसी तरीके से इस एग्जांपल से अगर देखें तो कई दफ़ा हम एवरेज निकाल रहे होते हैं तो ये किसी एक का कम हो सकता है किसी का ज़्यादा लेकिन तमाम खिलाड़ियों की बेस पे जब हम काउंट करेंगे तो वो हमारा एवरेज रन रेट ज़्यादा होगा अब इसी बेस पर अगर हम नेक्स्ट इसी टेबल पर आते हैं जो हम कई दफ़ा पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं तो जो हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट का टेबल है वो अगर हम देखें तो ये टोटल प्रोडक्ट और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हमें शो कर रहा है और अगर हम देखें तो जब यहाँ पे हमारा टोटल आउटपुट जो है वो तो फोर है और ये डिवाइड बाय वन है तो ये फोर आ जाएगा एंड लाइक वाइज फॉर ईच प्रोडक्ट ये हमारे हमें डिफरेंट प्रोडक्टिविटी के लेवल शो करता है अब अगर इसी पे अगर हम देखते हैं तो इस सारे ऑस्पेक्ट में एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को एक हम जहन में रखें कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती वो जीरो क्यों नहीं हो सकती क्योंकि एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी जब भी होनी है हम अगर देखें हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज वाई बाई एल वी कैन से इट इज वाई बाय के और इन अदर फॉर्म्स हम दूसरी टर्म्स में यूज करें तो हम कहते हैं कि दिस इज टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय लेबर और टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय कैपिटल अगर हम कहीं क्यू से इस्तेमाल करें तो चूंकि हमारा न्यूमरेटर जो है जब तक वो किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है इट कैन नेवर बी ज़ीरो जबकि हमने प्रीवियसली देखा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है क्योंकि वो फॉर वन यूनिट चेंज को एक्सप्रेस कर रही है इसीलिए जब हम अगर ग्राफिकली शो करेंगे तो मैं आपको जो पहले हमने शो किया कि दिस कैन बी लाइक दिस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्योंकि यह हम वर्कर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इसी फॉर्म में अगर अब हम देखें कि हमारे पास जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के मुकाबले में जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो अगर मैं अगेन प्रीवियस टेबल पर जाऊँ तो आप ये देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शुरू में फोर सिक्स सेवन हायर थी हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी से और एक पॉइंट आया कि हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये यहाँ पे इंक्रीज होती चली गई यहाँ पे भी एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है लेकिन ये जब एक पॉइंट पे आके यहाँ पे डिक्रीज हुई कितनी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उससे भी डिक्रीज हो गई तो लीस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी टू पॉइंट फाइव है और जबकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम अज कम इस पॉइंट के दरम्यान में जो सिक्स और सेवन वाला है उससे इक्वेट कर रही है तो वेन वी कम हेयर तो ये फाइव और सिक्स वाले पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ये यहां पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एंड इफ नाउ आई विल है सो द एवरेज प्रोडक्टिविटी विल बी लाइक दिस अगर हम अब इन पॉइंट्स पे देखें तो ये एक वो पॉइंट होगा जहां पे एवरेज प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बराबर हुए होंगे और उससे प्रीवियस पॉइंट्स पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से अगर हम देखें तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है दिस इज हायर देन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वेट कर रहे होंगे ये हमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ चेंज शो कर रहा होता है इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये एवरेज प्रोडक्ट थ्रू आउट द रेंज हमें ये बताता है कि हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फॉर्म जो है वो एवरेज है वो कैसी है